नमस्कार, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। आईबीएन 7 पर वक्त है हमारी खास पेशकश गंगा का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को सपना दिखाया है, देश से वायदा किया है साफ सुथरी अविरल गंगा का। उन्होंने नमामि गंगा मिशन के लिए बजट में 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको लेकर चल रहे हैं गंगोत्री से गंगा सागर तक। पिछले हफ्ते हमने यात्रा की शुरुआत की थी गंगोत्री से, आज आपको लेकर चलेंगे गढ़वाल। देखिए गंगा कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। देश के लिए ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये देश के लिए पूजा है, भक्ति है, आस्था है। ये गंगा माँ है, लाखों करोड़ों जिंदगियों को अस्तित्व देती गंगा। भारत के जिस हिस्से में गंगा मौजूद है वहाँ भी, और जिस हिस्से में गंगा नहीं है वहाँ भी साक्षात देवी की तरह उनकी पूजा की जाती है। उनके किनारे जिंदगी शुरू होती है और खत्म भी। जन्म लेने से लेकर आखिरी सांस तक देश के 40 करोड़ लोगों को जिंदगी देने वाली देवी का दूसरा नाम है गंगा। भारत की सबसे पवित्र नदी आज बन गई है सबसे प्रदूषित। नमस्कार, मेरा नाम बहार दत्त है और अगले कई हफ्तों तक मैं करूंगी इस नदी के साथ एक नदी यात्रा। मेरा एक ही मकसद है, ये जानना कि क्यों गंगा नदी बन गई है इतनी प्रदूषित और कौन है वो लोग जो जुटे हुए हैं इस नदी को बचाने में। तो आइए मेरे साथ गंगा नदी की एक यात्रा पर। गंगा एक खोज सीरीज के पहले भाग की शुरुआत हुई गंगोत्री से। अब दूसरे भाग में हम आपको लेकर चलेंगे चमोली और उसके आगे शिवपुरी तक। कुमाऊं गढ़वाल में गंगा के किनारे चलते हुए आपको एक अजीब सा सुकून मिलेगा। हर तरफ घने पहाड़, लेकिन मुश्किल ये कि अब ये भी सुरक्षित नहीं है। 1970 में उत्तराखंड का ये इलाका चिपको आंदोलन का गवाह बना। गांव की महिलाओं ने देश के पहले पर्यावरण आंदोलन की नींव रखी। विरोध सरकार के उस फैसले का जो कारोबार के नाम पर बड़े पैमाने पर पेड़ काटने की इजाजत देता था। चमोली में मेरी मुलाकात इस आंदोलन की शुरुआत करने वालों में से एक चंडी प्रसाद भट्ट से हुई। चंडी प्रसाद भट्ट को कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। वो हमें उस जगह ले गए जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। चिप्पो का मतलब क्या था? मतलब एक तरह से ये सिंबॉलिक भी था। असल में गढ़वाली में अंगारठा मारने का होता है, चिप्पो माने चिपकना। अच्छा। तो उस समय यही था कि जैसे वो कुल्हाड़े वाले ये ऐसे मारे तो उससे पहले कि हम इन पेड़ों पर चिपक जाएंगे और तुम्हारी कुल्हाड़ी पर ताकत है, पहले हमारी पीठ पर मारो तब पेड़ को काटो। तो ये उसका मकसद था। यहाँ आकर मुझे एहसास हुआ कि ये गंगा ही तो थी जिन्होंने गांव वालों को आंदोलन के लिए मजबूर किया। 1970 में ऐसी भयानक बाढ़ आई थी कि गांव वालों के घर, उनकी फसलें सब तबाह हो गया। चंडी प्रसाद तब नौजवान थे। उनके जैसे हजारों लोगों ने यह महसूस किया कि पेड़ कटने की वजह से ही ऐसा हो रहा है। पेड़ कटने के बाद पहाड़ों की मिट्टी बहकर गंगा के तल तक पहुंच रही थी। नतीजा ये कि जब बारिश हुई तो तुरंत बाढ़ आ गई। तो आपने जब ये आंदोलन, एक तो चिपको नाम हुआ, महिलाओं को कैसे जोड़ा आपने? महिलाओं को भी यही मैसेज दिया कि ये पेड़ कटेंगे तो तुम्हारा कष्ट ज्यादा बढ़ेगा। गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद इस आंदोलन की कमान संभालने वालों में से एक थे। उनका विरोध तब तक जारी रहा जब तक सरकार ने पेड़ काटने पर 15 साल का प्रतिबंध नहीं लगा दिया। इस आंदोलन ने देश भर के करोड़ों लोगों को अपनी धरोहर की रक्षा करना सिखाया, उन्हें हौसला दिया सरकार से टकराने को। जब ये शब्द गूंजा, चिपको आंदोलन जिंदाबाद करके जंगल जंगल में, वो तो किसी की हिम्मत तो थी नहीं,
तो कुलाड़े वालों को फिर पेड़ पर चलाने के बजाय वो वापस होने लगे। इतने सालों बाद आज भी चंडी प्रसाद अपना संदेश गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं, जंगल बचाने के लिए इलाके के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। आप लोग क्या करना चाह रहे इधर कई ढंगों का जंगल के ढंग पर आप बचाना। लेकिन क्या चिपको आंदोलन से मिला संदेश आज प्रासंगिक रह गया है? मन में तमाम सवाल लिए हम आगे बढ़े। गढ़वाल में घने जंगलों के बीच बहती मंदाकिनी गंगा की सहयोगी नदी है, लेकिन यहाँ रेयाड़ी में मंदाकिनी नदी पर बन रहे 99 मेगावाट के सिंगोली भटवारी बांध ने पूरे जंगलों को खतरे में डाल दिया है। ये बांध आज के दौर में चिपको जैसे आंदोलन का सबब भी बन रहा है। इन औरतों की अगुवाई करने वाली महिला का नाम है सुशीला भंडारी। जब IBN7 की टीम उनसे मिली तो वो बहुत जल्दी में थी। उन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाकर अपनी जमानत के लिए अर्जी डालनी थी। बांध का विरोध करने पर उन्हें कई बार गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने सीधा बिना वन पंचायत के पूछे बिना उन्होंने हमारा 31 पेड़ों को काटा, तो हमने 31 पेड़ों पे उन्होंने गिरा दिया, 32 पेड़ जो खड़ा था उसको आधा काट दिया, तो हमने वहाँ पे सारी महिलाओं ने पेड़ों पे अंगवाल मार दिया। रेयाड़ी में गांव का जंगल सिर्फ 30 हेक्टेयर में फैला है, लेकिन ये पूरे गांव को ईंधन देता है, उनकी जिंदगी है। चिपको आंदोलन की कमान संभालने वालों की तरह सुशीला का भी यही कहना है कि वो सिर्फ जंगल के लिए नहीं लड़ रही, उनकी लड़ाई अपनी माँ के लिए भी है, गंगा माँ के लिए। मैंने तो गंगा माँ से संकल्प ले रखा है कि गंगा माँ हम बंदी हो जाएंगे पर लेकिन हम तुमको पहाड़ों के अंदर जेल में जाने, पहाड़ों के माँ मानी पहाड़ों के अंदर जाएंगे, बाहर नहीं दिखे, एक प्रकार से माँ भी जेल में जा रही है। हमको इस बात की दुख है, एक तो हमारी माँ को हमसे छीन रहे हैं, स्वतंत्रता देखने के लिए हमको छीन रहे हैं, और एक तो हमारा जंगल पाला हुआ जंगल को खत्म कर रहे हैं, दूसरा जो हमारे घर मकान है उसको उजाड़ रहे हैं, तो मैंने हमारी आने वाली पीढ़ी कहाँ जाएगी। सुशीला की बातों में दम भी है। एक बार बांध बनने के बाद मंदाकिनी नदी का 90% पानी बड़ी बड़ी सुरंगों में धकेल दिया जाएगा। 50 किलोमीटर के लंबे इलाके में पावर कंपनियां सुशीला जैसे स्थानीय लोगों को नदी को हाथ भी नहीं लगाने देंगी, उनकी माँ उनसे दूर हो जाएंगी। गंगा पर पूरी तरह निर्भर गांव के इन रास्तों से गुजरते हुए हमें एहसास हुआ कि पानी को लेकर छिड़ी जंग का असर पूरे पहाड़ी इलाके पर पड़ रहा है। तो क्या गंगा के पानी के इस्तेमाल का कोई और तरीका भी है? इस सवाल के जवाब के लिए हमें खास शख्स से मिले। अनिल जोशी सिर्फ एक आविष्कारक नहीं है, उन्होंने स्थानीय भाषा में घराट कही जाने वाली पंचक्की की पुरानी तकनीक को फिर से जिंदा कर दिया है। वो तकनीक जिसका इस्तेमाल पहाड़ों में पिछले 1500 सालों से होता आ रहा है। उस समय के लोगों ने जिनकी आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक समझ बड़ी गहरी थी, उन्होंने गांव के भीतर अपने लिए ऊर्जा का एक समाधान पैदा किया था और जिसका नाम था घराट। घराट उसी तकनीक पर काम करता है जिस पर बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम काम करते हैं, लेकिन घराट से नुकसान बहुत कम होता है। नदी की एक धारा को काटकर अलग कर दिया जाता है। इसका पानी जब ऊंचाई से गिरता है तो घराट पर टकराते हुए बिजली पैदा कर देता है। इस बिजली का इस्तेमाल आटा मिलों में किया जाता है। इसके बाद पानी को एक बार फिर मुख्य नदी की तरफ मोड़ दिया जाता है। 86 के बाद इस तरह का एक प्रयोग किया गया, लोकल टर्बाइन बनाई गई, लोकल फैब्रिकेशन किया गया, घराट संगठन पैदा किए गए, घराटों में एक जन जागरण हुआ और ये एक आंदोलन के रूप में घराट ने अपने को पुनर्स्थापित किया। इसकी लागत भी सिर्फ 10,000 रुपए ही आती है। जोशी के बनाए हुए आधुनिक घराट इस वक्त 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को बिजली मुहैया करा रहे हैं। इस महिला की बिस्किट फैक्ट्री में अनाज घराट से बनी बिजली से ही पीसा जाता है। जोशी मानते हैं पूरे हिमालय में घराट से 15,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। बड़े और महंगे बांधों का सबसे ठोस उपाय
लेकिन इस पुरानी तकनीक को लागू करने के लिए नई सोच की जरूरत है। जोशी का आरोप है कि हम जीडीपी के बारे में तो बहुत सोचते हैं, लेकिन जीपी यानी पर्यावरण की विकास दर पर कोई ध्यान नहीं देता। हमारे पास एक और मापदंड होना चाहिए अपनी प्रगति का, और वो प्रगति का मापदंड होना चाहिए ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट। हमको ये बताया जाए कि जो नदियाँ हमारे राज्यों से हमारे देश में हैं, हमारे कितने प्रयत्न हैं कि नदियों में पानी बढ़ा, क्योंकि सूख रही हैं। हमने कितनी कोशिश की जो पहाड़ों से मिट्टी बहकर जा रही है, हमने सॉयल कंजर्वेशन के कितनी इनिशिएटिव लिए, कितनी मिट्टी रोकी। यहाँ से जाते हुए मन में बार बार एक ख्याल आया, काश कोई जोशी की बातें सुन ले, उन पर ध्यान दे। हमें पहली बार भरोसा हुआ कि भारत की नदियाँ बचाई भी जा सकती हैं। जोशी की तरह ही एक बार में एक घर आड़ बनाते हुए ही सही। पहाड़ों में किसी तरह रेंगते हुए जिंदा होने का एहसास करा रही गंगा तो मुश्किल में है ही, इस इलाके के लोगों को और भी खतरों का सामना करना पड़ रहा है। पाकी गांव में फलों की पैदावार में जबरदस्त गिरावट आ गई है। वजह सिर्फ एक है, मौसम में अचानक बदलाव। हाँ, चमोली गढ़वाल में पाकी का नाम फेमस था, यहाँ पे ट्रक ट्रक भर के जाते थे। यहाँ पे तो लोगों का जीवन ही उस पे चलता था, माल्टे पे एक एक परिवार के 10-10 हजार के, 20-20 हजार के, इस तरह से तो कोई परिवार अछूता नहीं था। कुछ वक्त पहले तक विश्वेश्वरी देवी का कारोबार अच्छे से चल रहा था। जूस के लिए माल्टा और संतरा बेचकर कमाई भी उन्होंने खूब की। तब पूरे गांव की महिलाएं एक साथ बैठकर फल का जूस निकालने का काम करती थी। बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालु पक्की गांव में रुककर माल्टे का जूस पिया करते थे। लेकिन आज बदलते हुए मौसम ने सब बर्बाद कर दिया है। ये जलवायु परिवर्तन है, जैसे हमारे पुराने स्रोत थे तो वो पूरे सूख गए। वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालय अब पूरी तरह दुनिया के मुकाबले 6 गुना ज्यादा तेज गर्म हो रहे हैं। पिछले साल से सर्दियों के दौरान चमोली में बारिश नहीं हुई है। बारिश का मौसम 2 से 3 महीने तक आगे खिसक गया है और इसकी वजह से सर्दियों में होने वाली फसलें चौपट हो गई हैं। विश्वेश्वरी देवी जैसी महिलाओं के लिए बहुत बड़ा झटका है। ऐसा भी नहीं है कि पहाड़ों में हर तरफ खतरे की घंटी बज रही है। मुश्किल वक्त में कई बार कोई एक शख्स ही उम्मीद जगा जाता है। गोपेश्वर के पपियाना गांव में 79 साल के बुजुर्ग मुरारी लाल भी जंगल और नदी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मुरारी लाल ने अपने गांव के नजदीक सालों से बंजर पड़ी जमीन पर हजारों पेड़ लगा दिए हैं। नतीजा ये कि गांव के अलावा गंगा नदी की भी मदद हो रही है। मुरारी लाल की मेहनत का असली फल देखने के लिए बच्चों की इस फौज के साथ हमें और आगे बढ़ना पड़ा। हमारे यहाँ की महिलाएं तो कष्टमय जीवन बिताती है, क्योंकि हमारे यहाँ लिस्ट का गांव है, आबादी ज्यादा है और चारागाह की जगह कम है। महिलाओं ने कहा कि मुरारी लाल जी, हम इधर का जंगल भी खाली है, उसको भी हम वो करते हैं, वहाँ तो पशु चरते हैं, वहाँ एक भी पेड़ नहीं है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, हम मैं सहयोग देने के लिए बिल्कुल आपके साथ तैयार हूँ। पहाड़ के एक बड़े हिस्से पर फिर से पेड़ लगाना वाकई बहुत कठिन था। उन्होंने पहले गांव वालों को इस बात के लिए मनाया कि जहां पेड़ लगे हैं वहां से 2 साल तक ना लकड़ी ली जाए और ना चारा। ये भी वायदा लिया कि सब मिलकर पेड़ों की रक्षा करेंगे। नतीजा आपके सामने है। 18 हेक्टेयर में फैला ये जंगल पूरे इलाके की उन चुनिंदा जगहों में से एक है जहां पेड़ अब भी बचे हुए हैं। इस जंगल में अब इंसान ही नहीं, पक्षियों और जानवरों का भी बसेरा हो गया है। यहाँ शेर यहाँ है, भालू यहाँ है, मुर्गे यहाँ है और विभिन्न प्रकार की पक्षियाँ यहाँ है। 16 कहते हैं हमारे यहाँ, 16 सिलकोते होते हैं उसके ऊपर, वो भी यहाँ है, सुअर भी यहाँ है। पहाड़ पर घंटों चलने के बाद मैं बुरी तरह थक गई।
लेकिन मुरारी लाल पर कोई फर्क नहीं था, वो ऊर्जा से भरे हुए थे। बाकी निवल तो वहाँ पेड़ है, कति पेड़ दिया वाला पेड़ कौन? थोड़ी देर की पूजा के बाद हम जंगलों के काफी भीतर तक पहुंच गए। मुरारी लाल चाहते थे कि हमारी टीम भी यहाँ एक पेड़ लगाए। मुरारी लाल ये भी पक्का करा रहे हैं कि उनका सपना, उनका मिशन गांव की महिलाएं और बच्चे और आगे बढ़ाएं। वो गांव के बच्चों को पेड़ लगाना, उसकी देखभाल करना सिखा रहे हैं। अब निकालो इस मिट्टी को, निकालो, जड़े रहने दो। ट्रेनिंग इस बात की भी कि किस प्रजाति का पेड़ कितना फायदेमंद होगा। इससे जड़ मजबूत हो जाएगी ना, मिट्टी टाइट सख्त बन जाएगी। जब जंगल है तब मंगल है, ये कहते हैं लोग कि हम जंगल बनाएंगे तो पानी के स्रोत बढ़ेंगे, तो हमारी नदी की शाखाएं बनेगी, तो शाखाएं बन करके एक बड़ी नदी बनेगी, नदी बन करके गंगा में जाएगी, तो इस प्रकार से ये शाखाएं हैं। इस बुजुर्ग की नजरों में बड़े घने जंगलों का उतना ही महत्व है जितना एक खुशहाल नदी का। आखिर ये दोनों ही मिलकर तो यहाँ जिंदगी की डोर को बांधे हुए हैं। मैदानी इलाकों में उतरने से पहले देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। यहाँ से 10 किलोमीटर नीचे है शिवपुरी। यहाँ आपको कुछ अलग तरह के चेहरे दिखेंगे। भक्त नहीं, साधु नहीं, ये जगह रोमांच की तलाश में आए नौजवानों से भरी हुई है। हरिद्वार पहुंचने से पहले गंगा का ये पड़ाव रिवर राफ्टिंग के लिए मशहूर है। नदी में उतरने से पहले हमें सुरक्षा के लिहाज से कुछ चीजें समझाएंगे। हमारे गाइड जो नेल्सन ने बताया कि नदी तब तक सुरक्षित है जब तक हम उसके आदेशों का पालन करते रहें। पानी की तेज धार के साथ ऊपर तक उछलते हुए हमें गंगा की विशालता का अंदाजा लगा, उसकी ताकत महसूस। चीखते हुए, चिल्लाते हुए, कभी डरते हुए तो कभी लहरों के ऊपर, यह अनुभव वाकई शब्दों में उतारना मुश्किल है। गंगा का पानी यहाँ ठिठुरा देने वाला था, लेकिन फिर भी उसमें एक सुकून था। पिछले कुछ दिनों से गंगा मेरी सबसे करीबी दोस्त बनी हुई है। छोटी छोटी धाराओं से मिलकर पहाड़ों में अटखेलियां करती, और अब गंगा मैदान में उतरने के लिए तैयार है। मैंने मन ही मन गंगा के लिए प्रार्थना की। इस बात के लिए गंगा एक खोज के सफर में आगे मुझे चंडी प्रसाद, मुरारी लाल, अनिल जोशी और सुशीला जैसे लोग और मिले। वो चेहरे जो अकेले ही अपने अपने तरीके से अपनी गंगा माँ की सेवा कर रहे हैं। बाहर तक IBN 7।